ऑक्टूबर में। किसी के मेरे पास पैसे थे कुछ, तो उसने बोला कि मेरे जितने पैसे ब्याज के बनते हैं उतने दे देना। मैंने कहा आपके पैसे 2000 बनते, बोले चलो मेरे को 1500 दे देना। मैंने उस पैसे देने के लिए हाथ में रखे और प्रार्थना की, पहले भी मैंने ऐसा ही किया था तो मेरे माफ हुए थे। फिर मैंने वो याद आ गई तो मैंने प्रार्थना करके हाथ पर रख के पैसे और प्रार्थना कही, प्रभु तेरे दास के द्वारा आज माफी के लिए ये बोला गया है तो मैं ये पैसे आपके हाथ में सौंपती हूँ, आके मर्जी मेरे पिता तेरी है। तो उसने वो पैसे तो ले लिए, पर वापिस मुझे देने के लिए कुछ पैसे मैं मांगती थी उससे, मेरा भी हिसाब करके आप मुझे दो। तो उसने क्या किया, मेरे को 4000 वापिस दे दी। मैं प्रभु तेरी की जिनके ब्याज वाली आत्मा है उसे मैं खत्म करता हूँ, यीशु की ताकत से आपका ब्याज माफ हो जाएगा। पर ये गवाही आप सुन रहे हो, हमारा परमेश्वर जो मैं बोलूंगा वो करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, तू मांगेगा तो मैं तेरे को देऊंगा। आज भी आप जितने भी यहाँ बैठे हो, जो चीज आप लेने के लिए आए हो, मैं जो बोलू उस पर रिसीव करना, आपके जीवन में बड़े काम होंगे। विश्वास भी करना चाहिए, विश्वास सबसे बड़ा है, और दास की अधीनगी में रहना तो और भी बड़ा बात है। धन्यवाद। जो 4 तारीख को परमेश्वर